साई बाबा क्लब के तत्वावधान में 14वां राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट एमबी ग्राउंड पर 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच आयोजित होगा। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में राजस्थान की 16 टीमें भाग लेगी। क्लब के खेल मंत्री राजेश परिहार ने बताया कि इस नॉकआउट प्रतियोगिता में विजेता टीम को इनामी राशि 25,000 नकद, ट्रॉफी और उपविजेता टीम को 11,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। टूर्नामेंट के फाइनल 25 फरवरी को खेला जाएगा। इस साल 14वां जो साई बाबा कप का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है वो हर वर्ष की भांति इस बार उसी साईं बाबा क्लब के टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेगी और राजस्थान की सब जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा और सब तरह से टीमें आएगी और जो खिलाड़ी आते हैं साईं बाबा क्लब के टूर्नामेंट में जो 14 साल से चल रहा है इसमें दिव्य प्रताप सिंह, अशोक कनारिया, रवि बिश्नोई और राजस्थान रणजी के सारे खिलाड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा सभी तरह के खिलाड़ी आते हैं और IPL में खेले हुए खिलाड़ी भी खेलते हैं इस टूर्नामेंट में। इनामी राशि इसमें 25,000 रुपये का हम नगद इनाम देते हैं और ट्रॉफी देते हैं और उप विजेता टीम को 11,000 रुपये देते हैं और इसमें ड्रेस कोड लोअर और अपर साईं बाबा क्लब के तरफ से दिया जाता है। सभी खिलाड़ियों को, 13 खिलाड़ियों को हम ड्रेस देते हैं और वहाँ पे खेलते हैं और बॉल हमारी तरफ से दी जाती है।